महाराष्ट्र के वाशिम जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 13 साल की बच्ची की गर्भवती होने से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। गर्भवती होने की खबर सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि वाशिम जिले में रहने वाले जम्भारू नावाजी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और वह 2 महीने की गर्भवती है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित लड़की की मां दिहाड़ी मजदूरी का काम करती है और वह काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहती है, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने पहले नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया और बाद में उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद एक दिन नाबालिग लड़की के पेट में अचानक दर्द होने लगा और उसे परिवार वाले इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां चेकअप के बाद डॉक्टरों ने लड़की के गर्भवती होने की बात कही, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने तत्काल नजदीकी वाशिम ग्रामीण पुलिस स्टेशन में घटना की शिकायत दर्ज कराई। पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए आरोपी मंगेश वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच वाशिम ग्रामीण पुलिस कर रही है। पुलिस स्टेशन वाशिम ग्रामीण हद्दीमध्ये 2 महिन्यापूर्वी एका नराधमानं अल्पवयीन मुलीवर जबरी संपर्क करून तिला गर्भवती केलेलं आहे, अशी माहिती 2 महिन्यानंतर मुलीच्या आईवडिलांना माहिती मिळाली। त्यानंतर मुलीच्या आईवडिलांनी पोलीस स्टेशनला धाव घेतली आणि आमच्याकडे तक्रार नोंदवली। तक्रारीप्रमाणे आम्ही सदर अज्ञात आरोपीविरुद्ध सुरुवातीला कलम 376, 506 आणि 406 बाल लैंगिक अपराधापासून संरक्षण असा गुन्हा नोंद केला आणि नंतरच तपासाचे चक्र फिरून संबंधित जो नराधम आहे मंगेश वानखेडे राहणार नामरूप नावजी याला अटक करून माननीय अप्पर पोलीस अधीक्षक साहेब पोलीस अधीक्षक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे तपास करीत आहोत। सध्या आरोपी PCR मध्ये आहे।